महीने में प्रवेश हमने कर लिया है, तो जब आखिरी छह महीने में गाड़ी पहुंच जाए तो आपको तराजू पे तोल के फैसले करने की घड़ी प्रदेश की जनता के सामने। ये खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी की सरकार 2014 में जब बनी, आज हम याद करते हैं 2014 से पहले हरियाणा की क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व की सरकार में जो प्रदेश हरियाणा देश में विकास दर में नंबर एक माना जाता था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर एक थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर एक थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा का नाम नंबर एक पे आता था, किसान की कल्याणकारी नीतियों की बात हो, चाहे किसान के उस समय 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी हो, चाहे किसान के कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी का फैसला उस समय लिया गया हो, चाहे काले कानून कोऑपरेटिव कर्जे पे डिफॉल्ट पे गिरफ्तारी और जमीन की नीलामी पे प्रतिबंध की बात हो, चाहे किसान के धान गन्ना पॉपुलर देश में सबसे ज्यादा भाव दिलाने की बात हो, देश में किसान हित में देश में सबसे आगे हरियाणा होता था जब कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में 4 लाख SC बैकवर्ड 36 बिरादरी गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट के फैसले की बात हो, 11,000 एक कलम से सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात हो, ग्रामीण चौकीदारों की भर्ती की बात हो, चाहे उस समय 20 लाख गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल में वजीफा देने की बात हो, तो देश में सबसे ज्यादा तो गरीब कल्याण की बात हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन उस समय देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में रही हो, चाहे आपसी भाईचारा 10 साल सरकार रही कभी 36 बिरादरी के आपसी भाईचारे पे खरोच नहीं आई, कभी किसी वर्ग को अपनी मांगों के लिए धरना नहीं देना पड़ा, कभी किसी को आंदोलन किसान को कर्मचारी को सरपंच को आंदोलन नहीं करना पड़ा, कभी पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा, अमन चैन आपसी भाईचारे से हरियाणा देश में विकास में आगे बढ़ता हुआ प्रदेश था। लोगों ने सोचा अच्छे दिनों के नारे हैं और अच्छे दिन आएंगे। भाजपा को मौका मिला खट्टर साहब को की सरकार बनी चंडीगढ़ में, आज 9.5 साल की उस सरकार के बाद आज आकलन करने का समय आया है। जो हरियाणा विकास में नंबर एक था आज देश में नंबर एक पहुंचा है, तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर एक, हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई, ना तो फैक्ट्री लगाई गई ना औद्योगिक क्षेत्र बने, कहीं कोई IMT स्थापित नहीं हुई, कहीं बड़े कारखाने नहीं आए, ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इस रूप से बना। IMT 6 हमारे समय लगी थी, मेट्रो जो RRTS है पानीपत तक आनी थी, इधर रोहतक तक आनी थी, एक खंबा मेट्रो का आगे बढ़ाने, एक रेल की लाइन बनी नहीं, निवेश नहीं हुआ, ना तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार उतने मिल पाए और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर, या तो सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार समाप्त किए जा रहे कौशल निगम के माध्यम से, कहीं अग्निवीर अग्निपथ के माध्यम से देश की फौज में, या कच्चों में परिवर्तित किए जा रहे हैं, और जो नौकरियां निकल रही हैं शेयर कर उन नौकरियों में या तो भर्ती घोटाले हरियाणा के अंदर एक के बाद एक भर्ती घोटाला, और भर्ती घोटालों से बचकर कोई लिस्ट निकल गई, उन लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर, SDO इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 2019 में, 80 में से 78 बच्चे बाहर के, केवल 2 हरियाणा के, SDO की लिस्ट आई 2021 में, 99 में से 77 बच्चे बाहर के, केवल 22 बच्चे हरियाणा के, अभी पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की लिस्ट है 156 बच्चों की, 156 बच्चों में से 103 बाहर के, केवल 156 में से केवल 53 बच्चे हरियाणा के। आज ऐसी स्थिति हो गई, ना सरकारी नौकरी रोजगार, मुख्यमंत्री जी ने कहा था एक बार गोहाना में कि हरियाणा वासियों को एक ऐसी बात कही थी जो जब बात सुनी तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मगर अहंकार में एक बात की कि हरियाणा वासी कंधे से नीचे मजबूत है ऊपर कमजोर है, मुख्यमंत्री खट्टर साहब के शब्द, और ऐसा लगता है कि जो लिस्टें आती है हरियाणा में वो अपनी बात को ठीक बताने के लिए, ठीक साबित करने के लिए इस तरह की लिस्टें हरियाणा के अंदर निकाली जा रही है, ऐसा लगता है। ऐसी स्थिति बन गई, हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, कोई डिप्रेशन की तरफ, कोई नशे की तरफ, नशा बढ़ गया हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा के अंदर, कोई अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ, अभी मैं अमेरिका गया, अमेरिका में पिछले 5-6 साल में 5 लाख बच्चे हरियाणा से पलायन हो गया,
अपने इसराना हल्के का गांव और अहर कुराना, अहर कुराना गांव, एक गांव अहर कुराना, 700 बच्चे अमेरिका में, और वो भी कठिनाइयों का सामना करते हुए जंगलों के रास्ते 6-6 महीने जाकर अपना घर बार माता पिता को छोड़कर 40-40, 50-50 लाख का लोन लेकर अपने भविष्य, क्योंकि हरियाणा के अंदर भविष्य को लेकर इतनी निराशा हो गई कि बच्चे अमेरिका पहुंच गए। एक गांव के 600-700 बच्चे मिले मुझे अहर कुराना के, बाकी हर गांव से जैसे ही मेक्सिको की दीवार कूदते हैं, मेक्सिको से पटाखे बजने का हरियाणा के अंदर, ऐसी स्थिति हरियाणा बन गई। मैंने कहा उन बच्चों को वहां पे, आप अपने घर टेलीफोन कर देना, हरियाणा में बदलाव होगा, सरकार बद बनेगी, आपको किसी को मजबूरी में दुख होकर तकलीफ के रास्ते बाहर जाने की दोबारा जरूरत नहीं होगी, हरियाणा में रोजगार मिलेगा, और जब तक आप बाहर हो तब तक अपने घर बार की आपको चिंता नहीं करनी, अपने माता पिता को आप कह देना, आप अपनी माता पिता को कह देना कि आपका एक बेटा, एक बेटा अगर आपका बाहर है जिसको खट्टर सरकार की वजह से बाहर जाना पड़ा, तो दूसरा बेटा दीपेंद्र आपका हरियाणा में है, अगर कोई दुख चिंता होगी तो आपका हम आपका ख्याल रखेंगे। बेरोजगारी में देश में नंबर एक, महंगाई में आज हरियाणा अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, बता रहे थे उदय भान जी, सबसे ज्यादा कर चढ़ गया, सबसे ज्यादा वैट लग गया, डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर देश में सबसे ज्यादा महंगा, और कहीं है तो हरियाणा में स्कूल के बच्चों की फीस सबसे महंगी, बिजली अगर कहीं है तो हरियाणा के अंदर आपके सामने, महंगाई में देश में आगे, बेरोजगारी में देश में आगे, नशे में देश में आगे, आज भ्रष्टाचार में देश में, अगर सबसे भ्रष्टाचार में कोई प्रदेश की सरकार कलंकित हुई तो हरियाणा सरकार कलंकित हुई। आपको याद होगा 2019 में लोग नहीं चाहते थे सरकार बनाना, लोग इतने दुखे हो चुके थे खट्टर सरकार से, लोग सरकार बदलना चाहते थे। सबसे बड़ा उदाहरण इसका यह है, 75 पार का नारा था कि नहीं था बीजेपी का भी 2019 में, कहते थे इस बार 75 पार बीजेपी, लेकिन लोगों ने 75 पार की हवा निकाल दी, 40 पे सुई रुक गई, और सारे मंत्री 14 में से 12 मंत्री, अगर लोग सरकार दोबारा चाहते, सरकार से खुश होते तो सबसे पहले मंत्रियों को जिताते, लेकिन सारे के सारे मंत्री ये बैठे हैं। सुरेंद्र पवार जी सोनीपत से, जो हमारी बहन मंत्री थी, वहां से सुरेंद्र पवार रिकॉर्ड मतों से जीते। रोहतक से बैठे हैं भारत भूषण बत्रा जी, मनीष ग्रोवर जो रोहतक से मंत्री थे इनके, वो रिकॉर्ड मतों से रोहतक से जीते। तो इसराना से, जो यहां मैं कैसे भूल गया, इसराना के जो मंत्री थे, अगर 75 पार का नारा लोगों गले उतरता, सरकार को दोबारा देखना चाहते तो उनको मौका देते, लेकिन इसराना के लोगों ने भी मतदान किया, ये सोच के मतदान किया कि भाई जो है ये सरकार लोग के हक में काम नहीं कर रही। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यहां से आपने रिकॉर्ड मतों से बलबीर जी को यहां से आपने जिताने का मौका दिया। और भाई ये पिछली बार ही दुखी इतने हो गए थे, ये 5 साल जब 40 पे सुई रुक गई और कहा सरकार नहीं बन सकती, तो एक पार्टी थी जिसका नारा था जमुना पार, बीजेपी को करो जमुना पार, दुष्यंत चौटाला जेजेपी की पार्टी, एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के, यार बन गए कि नहीं बन गए, और प्रदेश में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, कह दिया कि हमारा समझौता हुआ 5100 बुढ़ापा पेंशन होगी और 75% फैक्ट्रियों में आरक्षण होगा। मैं पूछना चाहता हूं आज आखिरी 6 महीने जब बचे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो 5100 पेंशन मिली कि नहीं मिली, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो 75% फैक्ट्रियों में आरक्षण हरियाणा के नौजवान को मिला कि नहीं मिला, मैं पूछना चाहता हूं। समझौता पेंशन का या 75% रिजर्वेशन का नहीं था, समझौता करप्शन का था, समझौता भ्रष्टाचार का था, समझौता भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था, समझौता महकमे आपस में बांटकर, कोई शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का किसके पास जाएगा, महकमे आपस में बांटकर हरियाणा की जनता को लूटने का समझौता था। सारे महकमों की लिस्ट तो हो सकता है हमारे पास भी ना हो, महकमों की लिस्ट चाहिए तो जेजेपी के ही विधायक, दुष्यंत के विधायक दादा गौतम नारनौंद वालों ने उसी दिन कह दिया था जिस दिन समझौता हुआ कि खोपर बढ़ गया सरकार में और एक लाए जीमन लग रहा है खोपर।
कह दिया था कि नहीं कह दिया? भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार और देश में सबसे ज्यादा अहंकार रखने वाली सरकार, सबसे ज्यादा घमंड करने वाली सरकार, अहंकार की क्या परिकाष्ठा है? अहंकार की परिकाष्ठा है जब किसान आंदोलन चल रहा था, हर रोज इन धरनों से शव वापस आ रहे थे, हर रोज चिताएं जल रही थी, 750 परिवार, 750 परिवारों का कोई ना कोई चला गया। ये बैठे हैं, भालू बैठे हैं बरोदा गांव से, मंडल, मैं नाम भूल गया, भाई अजय है, अजय मोर बरोदा से, आपके और हमारे जैसा एक नौजवान, हमारी उम्र का नौजवान, 3 छोटी छोटी बेटियां, आधे किले का नौजवान चला गया, 3 बच्चियां स्कूल के अंदर हैं, कोई संभालने वाला नहीं, सिंगू बॉर्डर से जब वापिस आई, किसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे? 750 किसानों की जान चली गई। मगर अहंकार की परिकाष्ठा यह है, जब किसान आंदोलन चला 1 साल तक, तब हम जब बात करते थे बीजेपी से, मांग करते थे किसान की मांग मानो, तो कहते थे नहीं मानेंगे, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का मैं सदस्य हूं आपके आशीर्वाद से, 20 साल से मुझे वहां पर आपका प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, 20 साल से मैं संसद में, देश की बड़ी पंचायत में सदस्य हूं, शायद मेरी उम्र में देश में इतना अवसर किसी को नहीं मिला, मैं देश की और अपने प्रदेश की और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। रोहतक वालों ने मुझे 3 बार लोकसभा से, इस बार मैं राज्यसभा में हूं, जब इन्होंने लोकसभा में मुझे रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा, मैं उस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं, और इस बार मैं इनको चुनौती देता हूं, चक्रव्यूह रचा था अपने रोहतक में, इस बार जितने चक्रव्यूह में आप रच लेना, वो चक्रव्यूह भी तोड़ेंगे और संसद में लोकसभा के अंदर भी पहुंच के आपको दिखा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।